हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे, जहां पे आप पाते हैं दवाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोडी स्टार डीएक्स सिरप के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके डोज के बारे में, और दोस्तों हम बात करेंगे इसको लेने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि कोडी स्टार डीएक्स सिरप में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों इस सिरप में डेस्टोमिथाकोन हाइड्रोब्रोमाइड पाया जाता है, जो कि दोस्तों 10 mg/5 ml में होता है। और दोस्तों इस सिरप में क्लोफेनामिड मेलेट पाया जाता है, जो कि दोस्तों इस सिरप में 4 mg/5 ml में होता है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि यह सिरप हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों डेक्सट्रोमिथाकोन हाइड्रोब्रोमाइड होता है, ये कफ सफिशेंट मेडिसिन होती है, जो कि दोस्तों हमारे शरीर में क्या करती है, कफ सेंटर की एक्टिविटी को रिड्यूस करके हमारी खांसी को कम करता है। और दोस्तों जो इसमें क्लोफेनामिड मेलेट होता है, ये एंटी एलर्जी कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जो कि दोस्तों इसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने में करते हैं। दोस्तों जैसे कि एलर्जी के कारण छींक आना, एलर्जी के कारण आंखों से पानी आना, एलर्जी के कारण नाक से पानी बहना, दोस्तों उस कंडीशन में यह सिरप अच्छे प्रकार से काम करती है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी इसके इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ में करते हैं, यानी सूखी खांसी के इलाज में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब खांसी के साथ बलगम वगैरह नहीं आता उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों सूखी खांसी को कम करने के साथ साथ यह एंटी एलर्जिक का भी काम करती है, जैसे कि एलर्जी के कारण आँखों से पानी आना, एलर्जी के कारण नाक से पानी बहना और एलर्जी के कारण छींक आना, उस कंडीशन में यह सिरप अच्छे प्रकार से काम करती है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा 5 ml देने की सलाह दी जाती है, लेकिन दोस्तों अगर खांसी ज़्यादा आ रही है उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस सिरप का इस्तेमाल दिन में 3 बार देने की सलाह दी जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी ड्यूरेशन के बारे में, दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल 3 से 7 दिनों तक करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर 3 से 7 दिनों तक खांसी नहीं बंद हो रही उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल 10 से 15 दिनों तक कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। डिजनेस, आपको चक्कर आ सकते हैं, ड्राई माउथ, आपके मुंह में सूखापन हो सकता है और आपके गले में भी सूखापन हो सकता है, ठीक है। और ब्लर विजन, आपको धुंधला दिखाई पड़ सकता है और आपको थकान महसूस हो सकता है। दोस्तों अगर इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके एक बार सलाह जरूर लें। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में कि इसको लेने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को लीवर की बीमारी है उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, और दोस्तों अल्कोहल के सेवन करने के बाद इस सिरप का इस्तेमाल ना करें, और दोस्तों इस सिरप के सेवन करने के बाद ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।